करनाल केंद्रीय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन हरियाणा किसान सभा व खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आपको बता दें कि किसानों और मजदूरों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना था, लेकिन अधिकारी के मौजूद नहीं होने के कारण खेत मजदूर यूनियन के लोग ज्ञापन नहीं दे सके। जानकारी देते हुए हरियाणा खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश महासचिव सतपाल बेनीवाल ने कहा कि सरकार जो अध्यादेश 2020 में लाने जा रही है वह किसान विरोधी है, उसका वह विरोध करते हैं, इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। वहीं पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों एवं आयकर के दायरे से बाहर सभी परिवारों को प्रति माह 7500 रुपए 6 माह तक दिए जाएं तथा प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो अनाज प्रति माह मुहैया करवाया जाए। मनरेगा में सभी जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों को 200 दिन का काम और 600 रुपए प्रतिदिन वेतन दिया जाए। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल वाली चीजों के बड़े दाम वापस लिए जाए। सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए व्यापक जन वितरण प्रणाली लागू करने सहित कई मांगों को उठाया गया। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऑल इंडिया किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से सारे देश में संयुक्त रूप से 8-10 मांगों को लेकर किसान मजदूरों की जो सामूहिक समस्या है, प्रदर्शन और धरने हैं और इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में इंद्री में भी ये छुट्टी वाले दिन ये धरना दिया जा रहा है और यह BDO साहब को मांग पत्र देंगे। इसमें जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है 3 खेती के ऊपर खासकर, उनको वापस लेने की बात है और कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों को दिसंबर तक 7500 रुपये प्रति परिवार देने की मांग है और 5 किलो की बजाय 10 किलो अनाज प्रति मेंबर देने की मांग है। इसमें मनरेगा का जो काम है वो 100 की बजाय 200 दिन और 600 रुपये दिहाड़ी की बात है। पेट्रोल डीजल के रेट ये कम किए जा सकते हैं, अगर इनसे GST कुछ घटाया जाए तो ये कम हो सकते हैं, ये करना चाहिए सरकार ने। सभी 2.5 एकड़ तक के किसानों को और मजदूरों को BPL में शामिल किया जाए और मुख्यतः फिर एक डाल कर और नहर के अंदर डाला है, एक आदमी दो आदमी का काम नहीं। उन्हें जो एक आधा कहने के बावजूद कोई लग्या होगा तो वो मजदूर तो फंसा लिया और बाकी छोड़ दिए, अब तक वो गिरफ्तार नहीं किए। उनकी गिरफ्तारी की मांग इनके लिए 15-15 लाख रुपए का हम दोनों संगठनों की तरफ से मांग पत्र में मुआवजे की मांग कर रहे हैं और बिन जो लाड़े बच्चों के लिए 30-30 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे 10 साल 11 साल 12 साल उनकी निर्मम हत्या की गई है, उनके मुख्य दोषी को पकड़ा जाए और उनको 30-30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये दो मांगे करनाल जिले की तरफ से हमने इन 10 मांगों में जोड़ी है, जो अगले 1 तारीख से 5 तारीख में भी यह न्यू की न्यू जुड़ी रहेगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.